हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा ये नेटवर्किंग का चौथा यूट्यूब वीडियो लेक्चर है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाला वीडियो लेक्चर अगर अच्छे से समझना है, तो इसके पहले बनाए हुए मेरा पहले का तीन वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर 1 फॉर नेटवर्किंग, वीडियो लेक्चर 2 फॉर नेटवर्किंग और वीडियो लेक्चर 3 फॉर नेटवर्किंग देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक आप उसको नहीं देखिएगा, ये वाला उतना अच्छा समझ भी नहीं आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट, द इम्परफेक्शन काउज सिग्नल इम्पेयरमेंट। दिस मीन्स दैट द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ मीडियम इज नॉट एट द सेम एज द सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम। What is sent is not what is received. Three causes of impairment are attenuation, distortion and noise. आप ये बात समझ लो कि सिग्नल जब सोर्स से चलता है और जब तक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वेव या जिस फेज या जिस एम्पलीट्यूड के साथ वो स्टार्ट होता है एट द रिसीविंग पॉइंट, उस तरह से वो सेम सीक्वेंस में रिसीव नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तीन कारणों से होता है। सिग्नल परफेक्ट नहीं होने का तीन कारण होता है, एट्यूनेशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। ये तीनों चीज जो है सिग्नल को ठीक से और सिग्नल को अच्छे से डिलीवरी करने में बाधक होते हैं। तो हमको इन तीनों को सोचना है कि कैसे ये होते हैं, और उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो काउजेज ऑफ इम्पेयरमेंट, थ्री वेज ऑफ काउजेज हम इम्पेयरमेंट होते हैं, एट्यूनेशन होते हैं, डिस्टॉर्शन होता है और नॉइज होता है। एट्यूनेशन जो होता है, एट्यूनेशन जो सिग्नल का जो ओरिजिनल सिग्नल के कारण जब एट्यूनेट होता है, तो वो सिग्नल जब वीक हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आपको याद आ रहा होगा जब केबल टीवी का जब कॉन्सेप्ट था, उस समय जब सिग्नल जब वायर के थ्रू जाते थे और बहुत दूर जाने के दौरान बीच बीच में एम्पलीफायर लगाया जाता था सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए, तो ये वही एम्पलीफायर कॉन्सेप्ट है। इस पे एक न्यूमेरिकल है, चलिए देख लेते हैं। सपोज अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट्स पावर इज रिड्यूस टू 1/2, दिस मीन्स दैट P2 इज 1/2 P1. इन दिस केस द एट्यूनेशन लॉस ऑफ पावर कैन बी कैलकुलेटेड है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 10 log 10 P2 by P1, और जो सिग्नल P2 क्या हो गया, जस्ट उसका हाफ हो गया है। तो इसको हम लोग डेसीबल में, जिसको शॉर्ट फॉर्म DB कहते हैं, DB मीटर के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उससे हम लोग चेक करते हैं कितना सिग्नल लॉस हुआ है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में जस्ट आपका लॉग फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं सिग्नल एट द एंड और बाई सिग्नल एट द बिगिनिंग, और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को से ये हमेशा निगेटिव में आता है जो एटेन्यूएशन लॉस होता है। आइए डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। डिस्टॉर्शन जो होता है आपका एट द सेंडर्स, जो कंपोजिट सिग्नल होता है, कंपोजिट सिग्नल जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री जो फॉर्म था उसको कंबाइंड करके जो सिग्नल होता है, जो फेज होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है और जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, इन तीनों के ऐड के होने के बाद उसके रिसीवर साइड में इसका जो देखिए आपका यहाँ पे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो इसका एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ पे आगे में और उसके फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़बड़ दिखा रहा है। फेस तो इसमें सही दिखा रहा है, लेकिन आगे का जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस तरह से रिसीव नहीं हो रहा था। इस पोर्शन को हम लोग डिस्टॉर्शन के नाम से जानते हैं। नॉइज, नॉइज जो सबसे बड़ा काउज है सिग्नल को वीक करने का, ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीवर सिग्नल बीच में जो नॉइज आ जाते हैं, जिसके चलते सिग्नल की क्वालिटी भी वीक होती है और सिग्नल में नॉइज के चलते सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है, जो सिग्नल का जो प्योरिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। आइए हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक डेटा रेट लिमिट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डेटा रेट लिमिट्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकेंड ओवर अ चैनल। डेटा रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, द बैंडविड्थ अवेलेबल, द लेवल ऑफ द सिग्नल वी यूज, द क्वालिटी ऑफ चैनल। तो डेटा रेट लिमिट्स
को समझने से मतलब ये है कि अगर आपको डेटा को बहुत फास्ट और बहुत स्पीड में भेजना है तो आपको ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किस तरह से हम डेटा रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है कि डेटा एक कैपेसिटी से आगे जाकर बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसका लिमिटेशन आ जाता है। तो वो थ्री काउज़ से आता है। पहला काउज़ होता है कि उसका बैंडविड्थ उसको कितना दिया गया है, दूसरा होता है कि किस तरह का सिग्नल, उसका लेवल ऑफ सिग्नल क्या था, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, और तीसरा है क्वालिटी ऑफ चैनल, मतलब मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं कि वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर है कि कोएक्सियल है कि फाइबर ऑप्टिक्स है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और लेवल ऑफ नॉइज उसके साथ किस तरह का ट्रेवल हो रहा है। अगर हमें एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्नल में रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिग्नल। अगर हम लोग सिग्नल के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, यानी अगर आप सिग्नल में नॉइज़ आ गया है या इम्प्योरिटी आ गई है, तो अगर उसको हम इंक्रीज करने के लिए अगर हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसके सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो इतना जान लो कि सिग्नल रिलायबल नहीं रहेगा। सिग्नल का स्ट्रेंथ जो होगा वो रिलायबल नहीं होगा, यानी वो प्योर सिग्नल नहीं कहलाएगा, उसके बीच में काफी सारी इम्प्योरिटी आ जाएगी। कुछ एग्जांपल साथ साथ में चल रहे हैं, मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके आप कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कुछ एग्जांपल को स्विच कर दे रहा हूं कि ये मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड बना दूं, जिसके चलते हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसको डिफ़िकल्ट वीडियो समझ के फिर आगे उसको नहीं देखें। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद होता है वीडियो बनाने का, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाता हूँ, जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है जनरली, तो मैं आप यूट्यूब वीडियो देखोगे तो बहुत हाईली स्टैंडर्ड का और बहुत टफ लैंग्वेज में वीडियो बना होता है। मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स भी जनरल लिविंग लाइफ के साथ रिलेटेड देता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रयास होता है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्चुअली मैं वीडियो से मैं समझाना चाहता हूँ कि टॉपिक को किस तरह से समझना है। एक वन लाइन डेफिनेशन, द शैनन कैपेसिटी गिव्स अस द अपर लिमिट, द निकेस्ट फार्मूला टेल्स अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल्स वी नीड। एक निकेस्ट करके साइंटिस्ट है, नेटवर्किंग के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया था कि अगर सिग्नल के कैपेसिटी का कितना अपर लिमिट जा सकता है ताकि सिग्नल की प्योरिटी बरकरार रहे, तो उनका कहना था कि कितने लेवल का सिग्नल आपको मिलता है उसी के अनुसार आप सिग्नल के लिमिट को बढ़ा सकते हो। अगर सिग्नल का जो चैनल है वो काफ़ी कम है तो सिग्नल की कैपेसिटी बहुत हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। परफॉर्मेंस, वन इम्पॉर्टेंट इश्यू इन नेटवर्किंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, हाउ गुड इज इट। तो इसको अगर हमको परफॉर्मेंस को चेक करना है तो सबसे पहले जानना होगा कि बैंडविड्थ सही होना चाहिए, थ्रूपुट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिले काफ़ी कम होना चाहिए, और बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है उसको हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर हम नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में बैंडविड्थ को डिस्कस करें तो ये टू कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा सकता है। द फर्स्ट बैंडविड्थ इन हर्ज रेफर्स टू रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ए कंपोजिट सिग्नल और इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट ए चैनल कैन पास। तो एक तरह से बैंडविड्थ हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसके जो रेंज होता है, मतलब लोअर रेंज से हायर रेंज के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हम निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है द सेकेंड बैंडविड्थ रेफर्स इन बिट्स पर सेकेंड रेफर टू स्पीड ऑफ बिट्स ट्रांसमिशन इन चैनल और लिंक, मतलब एक सेकेंड में टोटल डेटा को कैलकुलेट करके कितना एक सेकेंड में टोटल बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हुआ उसके थ्रू भी हम जो है कि बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं देखिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट मतलब किस काउज से हम कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो टोटल बैंडविड्थ है और कितना लेंथ है, लेंथ से डिले होता है। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा होगा,
किसी भी मीडियम का चैनल का, तो जान लो कि डिले ज़्यादा होगा और बैंडविथ उसका कम होगा। और अगर वॉल्यूम से निकालते हैं बैंडविथ इनटू डिले, बैंडविथ लेंथ से डिले लेंथ से काउंट होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोशिश करना है कि जो भी चैनल हो वो काफ़ी लो डिस्टेंस का हो, ताकि हमारी बैंडविथ अच्छे से सप्लाई हो सके। तो ये जो मेरा टॉपिक है, थर्ड जो वीडियो लेक्चर का जो पार्ट बचा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करूँगा। तो तभी तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा। धन्यवाद।